घूम रहे वो क्या वो तुम्हारा मेन आदमी किधर है तुम्हारा कहाँ भाग गया कहाँ घूम रहे अमेजिंग देखो आपको समझना पड़ेगा हमारी पंजाब की है और नाम भी उसका ऐसा है कि सबको उसके ऊपर नाज है हर नाज तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी मुझे तो अपनी पिक्चर सनो सरदार याद आ गई जहाँ रंधावा वर्ष से संधु होता था ये संधु जीत के आई तो आई एम सो प्राउड ऑफ फुल सेलिब्रेशन होगा भाई फुल सेलिब्रेशन होगा इट्स नॉट अ एवरी डे कि जाके कोई इतने बड़े बड़े खिताब जीत के आता है एंड इससे पहले कि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हीरोइन बन जाए पहले ही मिल लो डेफिनेटली आएगी भाई हमारे साथ आई होप जरूर कोई पिक्चर करे बट आई एम श्योर शी इज गोइंग टू कम इन द फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज शी इज ऑसम फुली टैलेंटेड एंड रॉकिंग पंजाबन Chandigarh girl and I'm also born in Chandigarh so that's my hometown and I think she has done the country proud and she has I think she's going to do something incredible that will leave a mark in the work that she does and I'm just happy she's back home and I can't wait to see her thank you so much बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हन्ना साल्टू जी जो जीती हैं वो 21 साल के बाद जीती हैं 21 लॉन्ग ईयर्स टू बी द मिस यूनिवर्स हमारे पास वी हैड ग्रेट इनक्रेडिबल टैलेंट इन ऐश्वर्या राय एंड शिवान प्रियंका चोपड़ा लारा दत्ता टू नेम अ फ्यू सुष्मिता सेन बट टुडे आफ्टर 21 लॉन्ग ईयर्स फॉर हन्ना साल्टू टू विन द मिस यूनिवर्स टैलेंट इज इनक्रेडिबल एंड वी आर ऑल्सो सो प्राउड ऑफ I think that's her personal choice and of course if she wants to come to the film industry I'm sure there are many producers, directors who would want to work with her but at this point of time that's her mind, that's her decision. We all are very proud of her and as I've always stated, India is a great country with incredible talent. She's one of them. Congratulations Harna, congratulations to you and your family and of course we are proud of you. Thank you.